और चलिए अब खबर इसराइल हमास वॉर को लेकर। इसराइल के गाजा पर किए हमले में हजार लोग लापता हैं, इनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पांच तस्वीरें जिनमें सबसे पहले बात इसराइल के गाजा पर हुए हमले की, जहां हजार लोग लापता हैं, इनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन खबरों का खंडन कर दिया है। दूसरी तस्वीर और जो दूसरी तस्वीर है वो राहुल गांधी के मिजोरम में पदयात्रा को लेकर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिजोरम के आइजोल में पदयात्रा की। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। वहीं तीसरी खबर बुधनी से, जहां बुधनी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल का विरोध कर रहे हैं। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने देवरिया के फतेहपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अखिलेश के पहुंचने से पहले परिवार के पांच सदस्यों को खोने वाले देवेश ने उनसे ना मिलने की बात कही। देहरादून में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित हो चुकी है। आपको बता दें, मां गंगा के कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त के शुभ बेला पर 11:45 पर बंद किए जाएंगे।